फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस एट, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आप बीच वाली टर्म में देखिए, हमारे पास एक्स माइनस वन बाय एक्स है, तो मैं चाहता हूं कि जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर है इसको भी एक्स माइनस वन बाय एक्स बना दो। कैसे कर सकते हैं ये, हम इसमें आइडेंटिटी बना सकते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वेयर। इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस टू करेंगे फर्स्ट, जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर है इसमें क्या लिखें, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर, हम अपनी मर्जी से माइनस टू कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमने माइनस टू किया है वो प्लस भी करना पड़ेगा, अब ये प्लस कर देते हैं लास्ट में एट प्लस टू, ठीक है। जो ये पॉलिनोमियल है इसमें हमने टू माइनस कर दिया और टू प्लस कर दिया, इससे कोई चेंज नहीं होगा। अब जो ये टर्म्स आ गई तीनों, ये एक आइडेंटिटी बन जाएंगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी की, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है, माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स और एट प्लस टू आ जाएगा टेन। अब क्या करें, एक्स माइनस वन बाय एक्स को पुट कर देते हैं ए, पुट एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू ए रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सेवन ए प्लस टेन, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई टेन चाहिए और सम माइनस का सेवन चाहिए, माइनस सेवन के दो पार्ट बनाएंगे जिनका मल्टीप्लाई टेन आ जाए, तो बनेंगे माइनस फाइव एंड माइनस टू, ए स्क्वेयर माइनस फाइव ए एंड माइनस टू ए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके फैक्टर कर देंगे। अब इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा ए ए माइनस फाइव एंड माइनस टू कॉमन लेते हैं ए माइनस फाइव, अब ये बन जाएगा ए माइनस फाइव कॉमन लेने के बाद ए माइनस टू बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए ए माइनस फाइव एंड ए माइनस टू। अब हमने जो वैल्यू पुट की थी ए की एक्स माइनस वन बाय एक्स, वो वापस से पुट करते हैं, एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इसमें साइड्स क्यू एस माइनस पी एस गिवन है नाइन, क्यू एस माइनस पी एस इज इक्वल टू नाइन गिवन है, और आर एस प्लस क्यू एस इज इक्वल टू फोर पी एस के इक्वल है। तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसकी साइड्स का पता होना चाहिए, वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी ब्रेथ को मैं बी एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, पी एस को एक्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन दी है हमें, इसमें पी एस की वैल्यू एक्स रखते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू एस माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइन, और एक्स इस तरफ माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा क्यू एस इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्स, ठीक है। तो जो क्यू एक्स इसका डायगनल है, ये बन जाएगा नाइन प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाली इक्वेशन में देखो, आर एस फाइंड आउट करते हैं, ये आर एस, तो आर एस प्लस क्यू एक्स, क्यू एस की जो वैल्यू निकाली है वो लिख देते हैं इसमें, क्यू एस की वैल्यू है नाइन प्लस एक्स, नाइन प्लस एस एक्स इज इक्वल टू फोर इंटू पी एस, फोर इंटू पी एस की वैल्यू है हमारे पास एक्स, ठीक है। तो आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर एक्स माइनस नाइन एंड माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा फोर एक्स माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स माइनस में नाइन, आर एस की वैल्यू आ गई थ्री एक्स माइनस नाइन। अब देखिए जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक्स आर एस आर क्यूब की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, ये दोनों ब्रेथ हैं, ठीक है। तो जो ये ट्रायंगल है एस आर क्यूब, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल एस आर क्यूब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वेयर, हाइपोटेनस इज नाइन प्लस एक्स,
होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर, बेस इज 3x-9 प्लस एल्टीट्यूड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये होती है। तो इसको सोल्व करते हैं, आइडेंटिटी से a प्लस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम 9 प्लस x का होल स्क्वेयर करते हैं, a स्क्वेयर किया, 9 9 जा 81 प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab करेंगे तो 9 2 जा 18 इंटू एक्स 18x, ठीक है, इक्वल्स टू 3x-9 का होल स्क्वेयर करते हैं। तो ए स्क्वेयर किया तो ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वेयर 9x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 9 9 जा 81 माइनस 2ab, तो 2 × 3x × 9 54x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 54x प्लस x स्क्वेयर, ठीक है। अब इक्वल के दोनों तरफ x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लेफ्ट साइड में 18x और राइट साइड में बचेगा 9x² - 54x। अब हम 18x को भी राइट साइड में ले आते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 0, 9x² - 54x - 18x, ठीक है। तो ये दोनों बन जाएंगे 0 = 9x², इन दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे 72x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 है, पहले इसमें से कॉमन लेते हैं हम, क्या आएगा कॉमन 9x, फैक्टर बन जाएंगे इसके x-8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो 9x 0 है या फिर x-8 0 है। अब 9x को हम 0 लिखते हैं और x-8 को 0 लिखते हैं, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल की साइड 0 नहीं होगी, और इसमें क्या आ जाएगी x की वैल्यू 8, तो 8 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। x की थी क्या थी हमारे पास, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो विड्थ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है SR, लेंथ इज इक्वल टू 3x-9, तो इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं हम 8, 3 × 8 - 9 = 15 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ इक्वल टू 15 × 8 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 इज एजेस ऑफ सोना एंड सोनाली आर इन रेशो 5:3। तो हम सोना की एज मान लेते हैं 5x, लेट यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोना 5x एंड सोनाली इज इक्वल टू 3x, प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली 3x, 5 ईयर हेंस देयर द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 10:7। ये कहता है 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद इनका रेशो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 की हो जाएगी सोना, और सोनाली कितने साल की हो जाएगी, 3x प्लस 5, ठीक है। दोनों का रेशो जो होगा 10:7 बन जाएगा, इक्वल टू 10/7, रेशो को ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। An employee works in a company on a contract for 30 days on a condition that he will receive 200 for each day he works and he will find rupees 20 for each day he absent. If he receive 3800 in all, for how many days he will remain absent? तो कितने दिन absent रहा? देखिए क्या question कह रहा है? इसमें कह रहा है कोई worker जो था 30 डेज के लिए उसने एक कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, उसने बोला कि अगर वो प्रेजेंट रहता है तो उसको 200 रुपीज पर डे मिलेंगे, ठीक है, अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसे माइनस 20
मतलब 20 रुपीज उसके लेस हो जाएंगे, उसको फाइन लगेगा पर डे का, एक दिन अगर एबसेंट हुआ तो 20 रुपीज का फाइन लगेगा। तो इस हिसाब से उसके रुपीज बने 3800। तो हमसे पूछा गया है वो कितने दिन एबसेंट रहा था, तो मान लेते हैं लेट एबसेंट एबसेंट डेज इज इक्वल टू एक्स। तो प्रेजेंट कितने डेज रहा था, टोटल डेज 30 थे, तो 30 में से एक्स डेज एबसेंट रह गया, तो प्रेजेंट रहा 30 माइनस एक्स डेज, वो प्रेजेंट रहा। अब इसका अमाउंट बनाते हैं, कितना अमाउंट बना, तो प्रेजेंट जितने दिन रहा उसके 200 रुपीज मिले पर डे के हिसाब से, तो टोटल उसको रुपीज मिले प्रेजेंट होने के 200 टाइम्स 30 माइनस एक्स, और एबसेंट के कटे हैं उसके माइनस हुए हैं 20 पर डे, 20 इंटू x डेज तक एबसेंट रहा, तो x डेज के 20 के हिसाब से इतने रुपए कट गए उसके, इक्वल टू उसका टोटल अमाउंट बना 3800। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 6000 माइनस 200 x 200 x माइनus 20 x इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 6000 को उस साइड ले जाओ, ये दोनों प्लस होके बनेंगे माइनस के 220 x = 3800 -6000 -220 x, ये बचेगा माइनस का 2200, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2200/220, ये 22 से कट गया 10, एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 डेज, वो 10 डेज तक एबसेंट रहा था और 20 डेज तक प्रेजेंट रहा था। ठीक है, क्वेश्चन इज ए लोकल बस कैरीज 40 पैसेंजर्स, टोटल 40 पैसेंजर्स हैं, सम विद 50 पैसे टिकट एंड रिमेनिंग विद 1.5 रुपीज टिकट। ठीक है, 50 पैसे के टिकट है, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 50/100, 1/2, और रुपीज 1/2 1/2 रुपीज की टिकट के साथ मान लीजिए एक्स पैसेंजर्स। ठीक, लेट हमने कर लिया कि 1/2 रुपीज का टिकट एक्स पैसेंजर्स के पास है, और दूसरा क्या टिकट है 1.50 रुपीज, रुपीज 1.50। अब इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं, 150/100 डिवाइड कर दिया, 5 से काट दो 2 जा, ये बन जाएगा रुपीज 3/2 इज इक्वल टू, कितने पैसेंजर बच गए, 40 पैसेंजर टोटल हैं, उनमें से एक्स के पास 50 पैसे का टिकट है, तो बाकी बच गए उनके साथ पास 3/2 रुपीज का टिकट हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 40 माइनस x। ठीक है, अब इनके टोटल जो कह रहा है कि अमाउंट बना है सभी की टिकट से 32 रुपीज का अमाउंट बना है, तो इनको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स पैसेंजर्स के पास 1/2 रुपीज का टिकट है, तो कितने रुपए हो गए 1/2 × x, और 40 − x पैसेंजर्स के पास 3/2 रुपीज का टिकट है, तो ये कितने बन गए 3/2 × 40 − x, इतने रुपए ये बन गए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट बन जाएगा 32। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 से डिवाइड किया 1 1x + 2 से 2 को डिवाइड किया 1 3 × 40 − x इज इक्वल टू 1 से डिवाइड किया 2 32 2 64, 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो x + 120 − 3x इज इक्वल टू 64। ठीक है, इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, x − 3x − 2x इज इक्वल टू 64, 120 को राइट साइड में ले जाओ, माइनस का −2x इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 6 और 5 −56, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो 56/2 28।
28 आ गई एक्स की वैल्यू। तो 50 पैसे का टिकट कितने लोगों के पास है? 28 के पास। और 1.50 रुपीज का टिकट कितने पैसेंजर्स के पास है? 40 माइनस 28, इनका माइनस आ जाएगा 2 एंड 1, 12 पैसेंजर्स के पास इतने का है। दीज आर दी आंसर्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 50 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस 50 का है, मतलब एक एंगल दूसरे से 50 ज्यादा है और दूसरा एंगल पहले से 50 कम है। तो अगर हम एक एंगल को एक्स मान लें तो दूसरा हो जाएगा 50 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है, या 50 माइनस एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप एंगल्स को एक्स और एक्स प्लस 50 भी ले सकते हो, या फिर एक्स एंड एक्स माइनस 50 भी ले सकते हो, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं एक्स एंड एक्स प्लस 50, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 50 डिग्री का, ठीक है। बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये मान लेना, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 50, क्योंकि इनका सम 180 है तो इनको प्लस कर देते हैं। एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 50 को इधर माइनस कर दो, 180 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 130, एक्स इज इक्वल टू 130 बाय 2 65, एक्स की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। तो ये एंगल 65 का हो जाएगा और ये 50 प्लस कर दो, 65 प्लस 50 115, ठीक है। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है सब। इफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, जिसकी साइड्स मान लो ए बी और सी हैं। अभी कहता है इसकी साइड्स को अगर इंक्रीज करते हैं 4 सेंटीमीटर, इंक्रीज मतलब प्लस करते सभी साइड्स में 4, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4, ये हो जाएगा बी प्लस 4 और ये हो जाएगा सी प्लस 4, ठीक है। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्रेंगल एंड द गिवन ट्रेंगल इज 7:5। तो नई ट्रेंगल और गिवन ट्रेंगल के पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा 7:5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रेंगल, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना है तो हम पेरीमीटर ही मान लेते हैं, लेट पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रेंगल इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया, पेरीमीटर होता है इन तीनों साइड्स का प्लस, ये हमने एक्स मान लिया। सो पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रेंगल, नई ट्रेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये पहले एक्स था, अब तीनों साइड 4 4 और 4 ऐड हो गई, इंक्रीज हो गई, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 4 प्लस 4 प्लस 4, 12 इंक्रीज हो गया पेरीमीटर। तो नई ट्रेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा एक्स प्लस 12। आप गलती से एक्स प्लस 4 कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ट्रेंगल की तीनों साइड इंक्रीज हुई है 4 4 एंड 4, तो उसमें 12 इंक्रीज होगा। अब इसने बोला है कि रेशियो ऑफ न्यू पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रेंगल एंड ओरिजिनल ट्रेंगल, न्यू ट्रेंगल का पेरीमीटर है एक्स प्लस 12 एंड ओरिजिनल का पेरीमीटर हमने लिया था एक्स, ये जो रेशियो आया है ये 7:5 आया है, तो इसको 7/5 के इक्वल कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं इसे, 5 × x + 12 एंड इक्वल्स टू 7 × x, ये आ जाएगा 5x + 60 इज इक्वल टू 7x, और 5x इस तरफ माइनस में आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 7x - 5x, 60 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 30। तो जो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर 30 यूनिट आएगा।